हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो सेशन होने वाला है, ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनको सच में एक मोटिवेशन की नीड है और लगता है आपको कि आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या फिर आपको लगता है कि जब आप कुछ करने जा रहे हैं तो आप उस अपनी कैपेबिलिटी से कर ही नहीं पा रहे हैं जिससे कि आप करना चाहते हैं। इसके लिए मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि एक ऐसा मैजिशियन था जो किसी भी लोग को खोल सकता था। उसको दुनिया का कोई भी तिजोरी ला के रख दो उसके सामने, वो उस तिजोरी को कुछ सेकंड्स में खोल देता था यूं। और ये जो उसकी स्किल थी, बड़े काम की स्किल थी, क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया में क्या है ना कि एक बंदे के पास अगर कोई एक स्किल आ जाए तो उसको रिच होने से भी कोई नहीं रोक सकता है, उसको उसके सपने पूरे करने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो उस बंदे के पास ये स्किल होने के बाद उसे एक चैलेंज दिया गया, पूरी दुनिया में उसे एक चैलेंज दिया गया कि आपको क्या करना है, एक चैम्बर में बंद कर दिया जाएगा और उस चैम्बर को फिर पानी में डाल दिया जाएगा, और आपको कैसे करना है कि उस लोग को अपनी सांस रोक के खोलना है, क्योंकि वो बंदा कुछ सेकंड्स में कर लेता है। और आप देखेंगे कि नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई बंदा 50 सेकंड सांस रोक सकता है, कोई एक मिनट रोक सकता है, कोई दो मिनट भी रोक सकता है ना। तो उसके पास ये चैलेंज था कि या तो वो उस लोग को खोल दे, है ना, जब तक कि वो अपनी सांस को रोक सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि उसको एक इमरजेंसी हूटर दे दिया गया था कि बाय चांस अगर आप इसको ना खोल पाए तो आप ये बटन दबा दीजिएगा, ये चैम्बर अपने आप ऊपर आ जाएगा। सब लोग वहाँ पे कैमरामैन वगैरह वगैरह, है ना, सब अपना लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। और वो बंदा जाता है चैम्बर में, चैम्बर अंडर वाटर जा रहा है और वहाँ पे वो बंदा लगा हुआ उसको खोलने लगा हुआ खोलना, है ना। लेकिन क्या है ना कि उसने हर कोशिश कर ली, सबको लग रहा था कि अब आएगा, अब खोल देगा, लेकिन जो उससे उम्मीद थी बिल्कुल उससे विपरीत हुआ। मतलब कि आज तक जो बंदे ने सारे लॉक्स खोल दिए थे वो इस लॉक को खोल ही नहीं पा रहा था। उसने पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो खोल नहीं पाया, और उसके बाद एंड में उसे लगा कि भाई ऐसे तो मैं मर जाऊँगा, और उसने वो अलार्म बजा दिया। इसके बाद चैम्बर ऊपर आ गया, लेकिन जब चैम्बर ऊपर आता है तो उसकी शक्ल होती है, जो वो सर होता है जो झुका होता है, क्योंकि उसे गिल्ट फील हो रही है, शर्म फील हो रही है कि आज मेरा टैलेंट किसी काम नहीं आया, तो मैं ये क्यों नहीं कर पाया हूँ, रीज़न क्या था उसका। वो नज़र नहीं मिला पा रहा था लोगों से। लेकिन जब ऊपर आने के बाद उसने एकदम से दरवाजे को यूँ पुश किया तो उसी टाइम वो दरवाज़ा खुल गया। अब हुआ क्या कि उसको उस टाइम पर समझ आया कि ये दरवाज़ा तो लॉक ही नहीं था, यानी कि वो उस दरवाजे को खोलने में जुटा था, लेकिन उसके दिमाग में एक भी बार ये नहीं आया कि कहीं दरवाज़ा लॉक है भी है कि नहीं है, ये तो चेक कर लिया जाए ना। और यही कहानी हम सब स्टूडेंट्स जितने भी हैं, हमारी लाइफ में भी बिल्कुल एज इट इज़ यही चीज़ होती है। आप देखिएगा कि आप सवाल करते हैं, जब भी हम 500 ट्रिक्स सीख लेते हैं, 500 चीज़ें सीख लेते हैं, हम खुद को टैलेंटेड मानने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लोग देखे होंगे कि इतने इतने नंबर मॉक्स में लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है, है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि टैलेंट भी भाई किसी काम नहीं आता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मनोस्थिति पे, कि आप जो हैं क्या आप एक जगह ठहर के आप सोच पा रहे हैं चीज़ों को कि नहीं सोच पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ काम को करने के लिए कर रहे हैं कि बस मुझे नंबर चाहिए कर रहे हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए नहीं कर रहे हैं। अब मैं अगर मैथ्स इस वजह से पढ़ाऊं कि मेरे को कुछ एक पर्पज है कि मेरे को सिर्फ पैसे कमाने हैं, अगर मैं उससे मोटिवेशन बना लूंगा तो मैं कभी भी आपको सिखा ही नहीं पाऊंगा, मतलब कि मैं अपना 100% कभी आपको दे ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ भी होता होगा कि हम क्या करते हैं कि हम मोटिवेशन किसी और चीज़ को बना रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, तो वो जो दोनों चीज़ें हैं वो मिसमैच होती हैं और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली वही है जो हमें सीखना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो ब्रेन की कंडीशनिंग है। हम क्या है ना कि कभी भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, क्या हमने कभी भी बैठ के ये सोचा कि आज मैंने 24 घंटे में क्या किया। आपने कभी भी अपने आप को देखिएगा, आप बिल्कुल शांत वातावरण में एकदम चिल होके, है ना, और रिलैक्स अपने माइंड को करके सोचो कि आज मैंने क्या सीखा, क्या मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्टिव किया कि जिससे कि मैं अपने आने वाले कल में फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर पाऊँ। अगर आपने आज सीडी नहीं लगाया तो कल को फ्रूट कैसे आएंगे, यही चीज़ आपको सीखनी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो जो दिक्कतें जैसी दिखती हैं वो सच में होती ही नहीं वैसी प्रॉब्लम्स। और वही चीज़ है हम स्टूडेंट्स के साथ भी होती है कि हम देखते हैं क्वेश्चन को, हम डर जाते हैं
और वहाँ पे भी बिल्कुल यही होता है ना, पैनिक कर जाते हैं, बिल्कुल वही है जो लॉक मास्टर था वो खोल नहीं पाया क्योंकि सांसें उसकी कंट्रोल में नहीं है ना, कितनी देर सांस रोकेगा, वही है कि टाइमर चला हुआ है, लेकिन अब आप एक पैनिक सिचुएशन में फंस गए और आपको सारे के सारे सवाल भी करने हैं, तो उस पैनिक सिचुएशन में बड़ा दिक्कत हो जाता है। उसी को हैंडल करने के लिए हम मॉक्स देते हैं और मॉक्स का कोई पर्पज़ ही नहीं है, है ना। तो अल्टीमेटली आपको क्या है कि अपने मन में स्थिरता लानी है। अगर आप जगह जगह पे ढूंढेंगे, है ना, कि मैं इस जगह पे भी चला जाऊँ, ये पेड कोर्स भी ले लूँ, मैं वो पेड कोर्स भी ले लूँ, मैं ये फ्री कोर्स ले लूँ, मैं वो ले लूँ, तो फिर ना आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं सीख पाएंगे। आपको एक जगह स्टिक रहना ही पड़ेगा अगर आप लाइफ में सीखना चाहते हैं। प्रॉफिट लॉस में ढेरों सवाल थे, है ना, मैंने यूं MF के साथ यूं उड़ा दिए वो सारे के सारे। आप देखिए कि कई बार हमें वही है कि कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ करते हैं और वो चीज़ हो जाती है। कई बार आप देखेंगे कि सवाल बेसिक से बहुत फास्ट हो जाएंगे, आप ट्रिक लगाते रहना लेकिन बेसिक से जल्दी हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। अल्टीमेटली काम क्या आएगा, आपके ब्रेन की कंडीशनिंग, और वही काम मैंने अपने सारे के सारे कोर्सेज में, सारे चैप्टर्स में करने की कोशिश की है कि उनके अंदर आपको डायरेक्शन मिलती है ब्रेन को कि भाई आपको ये ऐसे सीक्वेंस में चीज़ें सोचनी है। आप देखिएगा कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में है और जो एक सोच है वो डेवलप होती जाती है कंटिन्यूटी में कि इसके बाद ये सोचना है, फिर इसके बाद ये सोचना है, फिर एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूं और बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट भी हो रहा है, वो आपको दिख ही रहा है ना, आप लोग पढ़ते हैं तो आपको समझ आ ही जाता है, क्योंकि आप शुरू से लेके एंड तक जब उस चीज़ को एनालाइज करेंगे और देखेंगे पूरा, तभी आपको समझ आएगा कि वो शुरू से लेके एंड तक की स्टोरी कैसे कनेक्ट हो गई। लेकिन अगर आप उसको आधा अधूरा छोड़ के और सोचते हैं कि मेरे को सब समझ आ जाए, या फिर उसको काट काट के है ना कि ये पार्ट देख लेता हूँ, बस वो पार्ट देख लेता हूँ, तो फिर आपको कभी कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा उस चीज़ में, वो आप फील ही नहीं कर पाएंगे कि आप जो सीखना चाह रहे थे वो कभी नहीं सीख पाएंगे। और यही चीज़ में क्यों ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट का चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर अपना इंटरेस्ट का होगा, तो वहाँ पे जाके आपको बड़ी दिक्कत आएगी अगर आप उस ढंग के कनेक्शन को डेवलप ही नहीं कर पाए। वहाँ पे आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा अपना दिमाग मेरे को देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी आप इंटरेस्ट के चैप्टर को सीख पाएंगे। बहुत जल्दी मैं डालूंगा इंटरेस्ट का चैप्टर, ठीक है भाई। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करते रहिए इस वीडियो को, जितना भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है उसको शेयर करो, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी कॉपीराइट स्ट्राइक मिली हुई है, लेकिन इन सब चीज़ों से हम घबराते नहीं है क्योंकि ये चीज़ें तो पार्ट एंड पार्सल है, प्रॉब्लम्स आएंगी और हम उनको फेस करेंगे, है ना, ये सब तो चलता ही रहेगा, नहीं तो स्मूथनेस किसी को भी नहीं अच्छी लगती है ना, तो ये जिगजैग पाथ है यही अच्छा है हमारे लिए। और इसको जितना भी कंटेंट मैंने दिया यार, कंटेंट को ज़रूर शेयर करना है, और कुछ भी शेयर करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा अपना चैनल है जो GV मैथ्स का, उसको सब्सक्राइब करना है ना, वहाँ पे मैं सारे का सारा कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चैनल सिर्फ इसी चीज़ के लिए रहेगा कि वहाँ पे और एक भी एक्स्ट्रा वीडियो नहीं आएगी, कम्प्लीट एंड कम्प्लीट कॉन्टेंट बेसिस रहेगा उसका, और उस पर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए ठीक है गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।